हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th। टुडेज वीडियो लेक्चर वी डिस्क्राइब चैप्टर 13 आर्गनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 13 के विषय में बात करेंगे, आर्गनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो आर्गनिज्म एंड पॉपुलेशन में जो की वर्ड्स हमारे 2 पॉइंट्स हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आर्गनिज्म एंड इस इन्वायरमेंट, आर्गनिज्म और इसके इन्वायरमेंट की हम बात करेंगे। तो आर्गनिज्म में जो फैक्टर्स हमारे हैं उसको देखेंगे, और सेकेंड पॉइंट है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन, जैसे इसमें हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन डिफरेंट टाइप होते हैं, और इसमें जो पॉपुलेशन है कुछ कर वापस होते हैं, तो इस तरह से पॉपुलेशन भी हम चेक करेंगे। लेकिन फर्स्टली हम देखेंगे आर्गनिज्म एंड इन्वायरमेंट्स। तो कुछ यहाँ CRD के पॉइंट्स यहाँ गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि आवर लिविंग वर्ल्ड्स इज फैसिनेटिंग डाइवर्स एंड इमेजिंगली कॉम्प्लेक्स, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो वर्ड्स हमारा जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाइवर्स है, और हम लोग ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने के इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बाई इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, और बाई इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस, कुछ इसके प्रोसेस को एट वेरियस लेवल्स के वेरियस लेवल पे, और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम एंड बायोमास एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन आस्क 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये बायोलॉजिकल, इसमें बायोलॉजिकल्स ऑर्गेनाइजेशन में हम 2 टाइप क्वेश्चन पुटअप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन, वी मे आस्क हाउ डज द बर्ड सिंग, बर्ड्स कैसे सिंग करते हैं, आर वाई द बर्ड सिंग्स, बर्ड क्यों सिंग करते हैं, द हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सी द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस व्हाइल द वाई टाइप क्वेश्चंस, सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम जो डाइवर्सिटी देखेंगे, जो ये डाइवर्सिटी है आर्गनिज्म्स का, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी गार्डन में देखते हैं किसी बुलबुल को, तो हमें सोचते हैं कि वह कैसे सिंग करता है, कैसे गाता है, या वाई सिंग्स, क्यों सिंग करता है। तो हम जो है डाइवर्सिटी को अब हम यहाँ चेक करेंगे, आर्गनिज्म एंड इन्वायरमेंट, आर्गनिज्म और इसके इन्वायरमेंट को। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हम इसको चेक करेंगे कि आर्गनिज्म्स एंड इट्स इन्वायरमेंट्स, आर्गनिज्म और इसका इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज इसेंशियल। इकोलॉजी स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इकोलॉजी, ओइकॉस स्टडी, इकोलॉजी में होता है ओइकॉस स्टडी, हाउस का स्टडी, हाउस जैसे टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, इन सब का हम स्टडी करेंगे, तो वो इकोलॉजी होता है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज इसेंशियल द फिजिकल इकोलॉजी विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर एडेप्टेड टू दियर इन्वायरमेंट इन टर्म ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवर बट आल्सो रिप्रोडक्शन। यू मे हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है यह सन के अराउंड जो है रोटेशन होता है, एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस काजेज एनुअल वेरिएशंस इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन, और इसका जो है डिफरेंट सीजन हमें यहाँ पे होता है। दीज वेरिएशंस टुगेदर विथ एनुअल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशंस इंक्लूडिंग बोथ रेन एंड स्नो
account for the formation of major biomass such as desert, rainforest and tundra. जैसे क्या होगा, फिगर दिखाया गया है कि इस साइड यहाँ शो किया गया टेम्परेचर्स, मीन एनुअल टेम्परेचर्स, और इस साइड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन जो आप देख रहे हैं। तो इस फिगर में फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं, केयरफुली थोड़ा देखिएगा फिगर्स को, कि इसमें आपका जो डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और कोनीफेरस, आर्किडिक एंड अल्पाइंस, ठीक। तो जिस तरह से टेम्परेचर ये आप अप्रेंड कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टेम्परेचर इस तरह से आपका डिक्रीज होता चला जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ जो है अप्रेंड होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं नियर अबाउट जो है 30-25 पर डेजर्ट है, ग्रास लैंड्स है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो ऐसे टेम्परेट फॉरेस्ट है। उसके नीचे हम जब पहुँचते हैं टेम्परेचर नियर अबाउट 5 टेम्पे, इस टेम्परेचर पे तो कोनीफर्स मिलता है, और जब हम जाते हैं टेम्परेचर आप यहाँ देख रहे हैं इस पे आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा अप्रेंड होते हैं। रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विथिन ईच बायोम्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइड वेराइटी। तो रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विथिन ईच बायोम्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। मेजर बायोमास बायोम्स ऑफ इंडिया बी शोन इन द फिगर 13.2। तो इस तरह से स्टूडेंट जैसे हम ये देख रहे हैं कि मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया आर शोन इन द फिगर 13.2 जो फिगर्स है 13.2 जिसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो आपको मेजर ऑफ इंडिया जो बायोमास आपको यहाँ शो किया जा रहा है ए बी सी डी, जिसमें ए आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ओके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लियर। इसके बाद हम आते हैं बी में, बी जो कि आपको दिखाया गया है डेसीडुअस फॉरेस्ट, बी दैट इज डेसीडुअस फॉरेस्ट। डेसीडुअस फॉरेस्ट जिसे आप जानते हैं कि ऐसे फॉरेस्ट जो वन टाइम अपना लीफ फॉल आप करते हैं, न्यू लीफ आते हैं, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं जिस एरिया में, दैट इज डेसीडुअस फॉरेस्ट। और नेक्स्ट जिसे आप देख रहे हैं जो आपका सी है डेजर्ट्स, ये आपका डेजर्ट है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देख रहे हैं सी कोस्ट, ये आपका जो है सी कोस्टल एरिया के फॉरेस्ट है। इस तरह से स्टूडेंट जैसे हमने फॉरेस्ट की बात किया कि ये जो वैरायटी है और इसमें डिफरेंट 13.2 में जो फिगर हमने अभी चेक किए, इन स्ट्रीम एंड द हार्स हैबिटेट्स स्कोर्सिंग राजस्थान डेजर्ट पर प्रेसुअली रेन सोड मेघालय फॉरेस्ट डीप ओशन ट्रेंचेस टोरेंटियल स्ट्रीम्स ओके पोलर रीजन्स हाई माउंटेन टॉप ओके बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स एंड स्टिकिंग कंपोस्ट पीड्स टू नेम ए फ्यू, इवन आवर इंटेस्टाइन इन ए यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। इस तरह से स्टूडेंट्स जो है ये जो टॉपिक्स अभी हम चेक कर रहे थे आर्गनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, आर्गनिज्म्स एंड इट्स एनवायरनमेंट में हमने देखा जो फॉरेस्ट को। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक्स।